सब्सक्राइब करो मेरे ट्रू हेल्प गुरु चैनल को हर दिन लेटेस्ट नया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम सो, सलाम अलैकुम। मेरा नाम है सुदाउद अहमद और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू हेल्प गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ DSLR कैमरा के लेंस के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अखोमिया बंधु सकल सावा हो। तो दोस्तों, क्या आप लोगों के पास निकॉन या कैनन का DSLR कैमरा है? क्या आपके लेंस पे पड़ चुका है फंगस? तो दोस्तों, अभी तक अगर फंगस नहीं आया है तो दोस्तों 2-3 महीने के बाद भी फंगस पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बार आपके लेंस में फंगस आ गया तो दोस्तों आपको 4 या 5 दिन तक नुकसान भी हो सकता है और आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं 5 टिप्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप मेरे ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका कैमरा सेफ्टी में रहेगा और आपका कैमरा कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों, आइए इस 5 टिप्स के बारे में जानते हैं। Tips number 1, अगर आपने नया DSLR कैमरा खरीद के अलमारी में लॉक करके रखा है तो आपका कैमरा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप कैमरा बाहर निकालिए, यूज कीजिए, तभी आपका कैमरा अच्छा रहेगा। Tips number 2, अगर अभी तक आप अपने कैमरे के बैग के अंदर सिलिका जेल नहीं रखा है तो दोस्तों, जल्दी से 4 या 5 सिलिका जेल का पैकेट आप अपने कैमरे के बैग के अंदर रखें और ये सिलिका जेल आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। Tips number 3, अगर आप फोटोशूट या वीडियो करने के लिए बाहर जाएंगे, जब आपका काम हो जाएगा तब आप लेंस का कवर लगाना मत भूलिएगा। अगर आपने लेंस का कवर नहीं लगाया तब आपका लेंस के अंदर मिट्टी चला जाएगा, इसलिए आप कवर लगा के ही रखें, यदि आपका कैमरा खराब हो सकता है। Tips number 4, तो दोस्तों, अगर आपका अच्छा एक कैमरा बैग नहीं है तो आप आज ही एक अच्छा बड़ा साइज का कैमरा बैग ले लीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपका कैमरा सेफ्टी में रहेगा। Tips number 5, अगर आपने लेंस अभी तक क्लीन नहीं किया है तो दोस्तों, जल्दी से क्लीनर से या क्लीनर जेल से आप लेंस को क्लीन कीजिए। अच्छा क्लीनर जेल आपको मार्केट या ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।